भाइयों बहनों, वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 500 और 1000 रुपये के सभी नोट चलन से बाहर कर दिए गए। ८६% करेंसी डीमोनेटाइज हो गई। लोग तेज धूप के अंदर बैंक के आगे लाइनों में खड़े हैं। ये लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक इन्हें पैसा नहीं मिल पाया है। 1.3 बिलियन सिटीजन्स इंडिया के रीमोनेटाइज होने का इंतजार करने लगे। यानी पैसा किसी भी इकोनॉमी का अहम पहलू होता है। पैसे की इन्वेंशन से पहले लेन देन एक अलग तरीके से होता था। इसकी शुरुआत हुई थी सामान और कामकाज की अदला बदली से, जिसे बार्टर कहा जाता था। बार्टर सिस्टम चलन में था क्योंकि तब लेन देन का कोई और जरिया नहीं था। लेकिन लेन देन का कोई साझा बांटने लायक जरिया न होने के चलते लोग बार्टर के अलावा कोई और तरीका ढूंढने लगे। बार्टर में एक ही चीज के दो बार चाहने जैसी कोई गुंजाइश नहीं होती। मतलब आप मुझसे कुछ खरीदना चाहते हैं और बदले में मैं आपको वो ऑफर ना करूं जिसकी आपको जरूरत है, तो एक्सचेंज होना मुश्किल हो जाएगा। बार्टर सिस्टम में कमियों ने करेंसी की जरूरत पैदा की। करेंसी यानी हाथ में पैसा होना, जिससे चीजों को खरीदने और बेचने का काम बिना दिक्कत के किया जा सके। बाजारों और कारोबार के बढ़ने के साथ बैंक नोटों और सिक्कों की शक्ल में करेंसी चलन में आई। इसे हुकूमत करने वाले बादशाह और डिनेस्टीज जारी करती थी। नेशन स्टेट्स के डेवलप होने पर पैसे को एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी कंट्रोल करने लगी। इकोनॉमीज तो बढ़ने लगी, लेकिन पैसा आज के नेशंस के लिए लेन देन का जरिया बन रहा। इंडिया में भी यही हुआ, जहां 85% वर्कर्स का मेहनताना नकद दिया जाता है। इनमें आती हैं तमाम छोटी यूनिट्स, एग्रीकल्चरलिस्ट्स, फार्मर्स, खेत में काम करने वाले खेतीहर मजदूर, कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, किसी छोटी यूनिट में काम करने वाले 2, 3 या शायद 5 लोग या फिर इससे भी ज्यादा। और ये लोग मार्केट में दिखाई देते हैं रूरल एरियाज में वीविंग और वहां के तमाम तरह के ट्रेड्स में। ये लोग इतना कम कमाते हैं कि इनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते, लेन देन में ये कैश ही यूज करते हैं। लगभग 26 करोड़ 30 लाख वर्कर्स के चलते इंडिया में एग्रीकल्चर सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स में से एक है। फसल कटाई के मौसम में देश के तमाम हिस्सों से अनस्किल्ड वर्कर्स खेतों में काम करने चले जाते हैं। फसल कटने के बाद बाहर से आए वर्कर्स अपनी फैमिलीज के लिए अपना बचाया पैसा साथ ले जाते हैं। ये पैसा रोजाना के खर्चों में काम आता है। इस पैसे से यही करते हैं खर्चा पानी, बच्चों की फीस चली जाती है और अपने राशन पानी ले आते, सब्जी उब्जी ले आते। बहुत से अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए कायदे के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहुंच से दूर होते हैं। ऐसे में वर्कर्स कभी कभी अपनी कमाई को मैनेज करने के लिए आसान रास्ते अपनाते हैं। जैसे हम मालिक के पास में रह रहे हैं, मालिक से हमने जैसे हमें 2000 रुपए की जरूरत है, तो हमें दिहाड़ी हमारी 10 है 20 है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने जितने हमारी जरूरत होगी उतनी ही गुंजाइश से हम अपने पैसे लेते हैं। नकद पर चलने वाले खेती जैसे सेक्टर्स नकद करेंसी पर डिपेंड करते हैं। कामकाज ठीक से चलता रहे, इसके लिए मजदूरों को वक्त पर पैसा दिया जाना जरूरी है। मशीनें और रिसोर्सेज भी काफी हद तक नकद पर डिपेंड करते हैं। हाँ भैया, दुखिया आया भाई।
ले भाई तेरे पैसे इस हफ्ते के। खेत का मालिक अपनी सहूलियत से भुगतान 15 दिनों में या हफ्ते में करता है। एक दिन के काम के बदले एक आम खेत मजदूर 200 से 300 रुपए तक कमाता है। हाँ भाई कार्तिक, आमतौर पर ये पैसा नकद दिया जाता है। हेलो भाई, कितनी तीन पर्ची गई है? आज का काम तो खत्म हो गया, तो बाजार बुजूर कर लो। ठीक है, देखिए जिसको पैसे चाहिए होते हैं वो कैश ही प्रेफर करता है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है, और जो पैसे दे रहा होता है उसको ऐसा लगता है कि इससे टाइम की बचत होती है। पैसा इकोनॉमी में जरूरी होता है, इसलिए करेंसी मैनेजमेंट एक अहम काम है। कंट्रीज अपनी करेंसी में बदलाव लाती रहती हैं। इसके लिए बाजार में चल रहे नोटों या सिक्कों को वापस लेकर बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स या डिजाइन वाले नए नोट या सिक्कों से बदल दिया जाता है। कभी कभी पुरानी करेंसी को बिल्कुल नई करेंसी से भी बदल दिया जाता है। सरकार को करेंसी या खास नोटों को अपने लीगल टेंडर से बाहर करने के लिए एक ऑर्डर जारी करना होता है, इसके बाद ही उन्हें नई करेंसी में बदला जाता है। इस प्रोसेस को डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। इंडिया इसे पहले भी 20वीं सदी में दो बार देख चुका है। 11 जनवरी 1946 ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों में टैक्स चोरी और काले धन से निपटने के लिए हाई डिनोमिनेशन वाले नोट डीमोनेटाइज किए गए थे। जनवरी 1978 कंट्री में एक बार फिर से डीमोनेटाइजेशन ऑर्डिनेंस जारी किया गया ताकि काले धन लगाम लगे। 1000, 5000 और 10000 के नोट डीमोनेटाइज कर दिए गए। आमतौर पर कुछ दिन का वक्त दिया जाता है जिससे देश के लोग डीमोनेटाइज किए गए नोट बदल सकें। कुछ मामलों में कंट्रीज ने इन्फ्लेशन या गिरती इकोनॉमी के चलते ये कड़ा कदम उठाया है। डीमोनेटाइजेशन ऐसे मामलों में भी अनाउंस किया गया था जिसमें चीजें काबू से बाहर हो गईं और हालात खराब हो गए थे। जैसे रशिया जैसी कंट्री जहां रूबल बेकाबू हो गया था, ऐसे में आप डीमोनेटाइज करते हैं, यही है डीमोनेटाइजेशन। दूसरी कंट्रीज में भी ये हुआ है, लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब मुसीबत बड़ी हो, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो। 8 नवंबर 2016 शाम 8 बजे इंडिया के लोग ये अनाउंसमेंट सुनकर हैरान रह गए। 8 नवंबर 2016 टेलीविजन के जरिए देश को संदेश देते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 500 और 1000 के सभी नोट इनवैलिड कर दिए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सरकार ने इसे जाली करेंसी, टेररिज्म फंडिंग और काले धन की जमाखोरी के खिलाफ उठाया कदम बताया। काला धन उस पैसे को कहते हैं जो गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया हो या वो पैसा जिस पर टैक्स ना दिया गया हो। मैंने आपसे कोई पेमेंट ली जिसे मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता, या तो टैक्स की वजह से या फिर इस वजह से कि वो इलीगल है, तो ये वो कैश है जिसे मैंने कन्वर्ट नहीं किया है। ये वो कैश है जिसे किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी या नॉन टैक्स पेड एक्टिविटी में दिया जाता है जिस पर टैक्सेस दिए जाने चाहिए थे, पर क्योंकि ये काला बाजारी के पास है इसलिए ये पैसा काला है। क्या डीमोनेटाइजेशन का इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम पर वो असर हुआ है जिसकी उम्मीद थी? सबसे पहले ये आइडिया देने का दावा करने वाले अनिल बोकिल को लगता था कि ये कदम बड़े बदलाव लाएगा। हमें तो लगता है कि ये बहुत जरूरी कदम था। पब्लिक डोमेन में पैसा आ गया, बैंकिंग में आ गया, अभी सबके डिजिटल ट्रेल मिलने लगेंगे। वो करप्शन को कंट्रोल करेंगे, वो टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। जैसे जैसे कैपिटल की कॉस्ट नीचे आती जाएगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो समाज में मार्केट में डिमांड आएगी, डिमांड आएगी, सप्लाई चेन घूमने लगेगी, एम्प्लॉयमेंट के अवसर खुलने लगेंगे, बड़ी मात्रा में रोजगार की निर्मिति होगी। एक डेवलपिंग नेशन की चुनौतियों को देखते हुए दूसरों की राय कुछ अलग ही है। अगर आप नंबर्स को देखें तो नंबर्स ठीक नहीं दिखते। 1, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना होगा
एंड टू बैंकिंग को इम्प्रूव करना होगा. 80% लेडीज का इंडिया में बैंक अकाउंट नहीं है और ये एक रियलिटी है. डी मोनेटाइजेशन की जिस असर की उम्मीद थी उस पर राय बंटी हुई थी. आने वाले महीनों में इंडिया एक बड़ी उथल पुथल देखने वाला था. डी मोनेटाइजेशन के बाद लोगों के हाथ में जो नकद था वो बेकार हो गया. बैंक्स और एटीएम्स के बाहर पुराने नोट जमा कराने और नई करेंसी लेने वालों की लाइनें लग गईं. लेकिन 2000 और 500 रुपए के नए नोट एकदम से अवेलेबल नहीं हुए थे क्योंकि 500 और 1000 के सभी नोट बदले जाने थे. इसलिए करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस लगातार काम में जुटी रहीं. हालांकि नोट के बदले नोट जारी करने में कुछ महीने लगने ही वाले थे. इस कमी से निपटने के लिए बैंक अकाउंट्स में विड्रॉल लिमिट वीकली 20,000 रुपए तक कर दी गई. नकद पैसे की इस कमी के नतीजों में से एक था कि नकद में दी जाने वाली तनख्वाह वक्त पर नहीं दी जा सकी. कुछ मामलों में सूझबूझ भरे रास्ते काम आए. असम, वो स्टेट जहां है करीब 800 टी एस्टेट्स जिनमें 7,00,000 वर्कर्स काम करते हैं. हर वर्कर की रोजाना की दिहाड़ी कम से कम 169 रुपए है. दिहाड़ी का नकद भुगतान किया जाता है. यहां ज्यादातर वर्कर्स के बैंक अकाउंट्स नहीं हैं. असम के कुल टी प्लांटेशन वर्कर्स में आधी औरतें हैं जिनका मुख्य काम है चाय की पत्तियां तोड़ना. इन टी गार्डन्स में से ज्यादातर अंग्रेजों के जमाने से ही ऑपरेट कर रहे हैं. वर्कर्स को हफ्ते या 15 दिनों में पैसा चुकाया जाता है. ये नियम यहां शुरुआत से ही रहा है. डी मोनेटाइजेशन के फौरन बाद एस्टेट्स में पैसा खत्म हो गया. चूंकि पगार देनी जरूरी थी लिहाजा असम गवर्नमेंट ने सभी एस्टेट्स को अपने वर्कर्स के बैंक अकाउंट्स खोलने का आदेश दिया. लेकिन ऐसा करने में कई दिक्कतें आई. शुरू में तो अकाउंट खोलने में उतनी दिक्कत नहीं आई क्योंकि आसाम ग्रामीण विकास बैंक लोगों के लिए बहुत कोऑपरेटिव था और उन्होंने इसे चैलेंज की तरह लिया था. वो पूरी मुस्तैदी से काम में जुटे थे मगर दिक्कत थी इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क कनेक्शन की. हफ्ते की तनख्वाह बैंक अकाउंट में दी जाने लगी तो एस्टेट वर्कर्स के सामने एक अलग तरह की मुश्किल आ गई. बैंक तो शहर में है लेकिन अगर मैं उतनी दूर जाऊं तो मेरी पूरे दिन की दिहाड़ी मारी जाती है. इस दिक्कत को दूर करने के लिए बैंक ने कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश की. टी गार्डन्स तक बैंकिंग का समाधान लेकर आई माइक्रो एटीएम मशीन्स. ये मशीन्स कस्टमर की आधार इन्फॉर्मेशन के बेस पर काम करती हैं. आधार एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है हर आदमी की एक यूनिक आइडेंटिटी तैयार करने के लिए. इसके लिए सिटीजन्स का बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा इकट्ठा करके उसे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर किया जाता है. बायोमेट्रिक्स के जरिए हम यूनिकनेस डिटरमिन करते हैं. 10 फिंगरप्रिंट्स, 2 आयरिस और फोटोग्राफ्स के जरिए हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी लेते हैं. बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम, एज, जेंडर और वो रेजिडेंस जहां वो आदमी रहता है, वो एड्रेस. तो इस इंफॉर्मेशन से हम एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट करते हैं जो 12 डिजिट का होता है, एक रैंडम नंबर, और यही यूनिक आइडेंटिटी बन जाता है. डीमोनेटाइजेशन से हुई कैश शॉर्टेज से पार पाने के लिए गवर्नमेंट ने इस सिस्टम का सहारा लिया था. अपनी आधार इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद वर्कर्स अपने दरवाजे पर ही अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते थे. अब तक हमारे असम ग्रामीण विकास बैंक ने इलाके के करीब 25 टी गार्डन्स में 50% ट्रांजैक्शंस जो है कामयाबी के साथ पूरे किए. लेकिन इन तरीकों पर खर्चा भी हुआ. माइक्रो एटीएम ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी पर्सनल और मशीन मेंटेनेंस की लागत ने इस पहल को काफी मुश्किल बना दिया. टी एस्टेट्स को एक रास्ता मिला था लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं.
इंडिया के कल्चर में नकद के इस्तेमाल की जड़ें काफी गहरी हैं। नकद के साथ काफी ज्यादा भरोसा जुड़ा हुआ है। 100 रुपए का नोट और कुछ नहीं, एक रिसीट है जो कहती है कि मैंने सोसाइटी को 100 रुपए की कीमत की चीजें और सर्विसेज दी हैं, और मैं भी इस इकोनॉमी में किसी से भी 100 रुपए की कीमत की चीजें और सर्विसेज ले सकता हूं। डीमोनेटाइजेशन से पहले वॉल्यूम के हिसाब से 98% लेन देन नकद में किया जाता था। ज्यादातर इंडियंस चीजें खरीदने और बेचने साथ ही सर्विसेज के लिए नकद इस्तेमाल करते थे। इंडिया में 50% विलेज और 50% पॉपुलेशन में तो मैं तो कहूंगा कि कैश का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। काम चलाने के लिए कैश चाहिए ही, पैसे वालों को भी कैश की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे लेन देन है जिन्हें कार्ड से नहीं कर सकते, यहां तक कि यूएस के प्रेसिडेंट भी अपने साथ कुछ कैश रखते हैं। इंडिया में करेंसी का इतिहास बड़ा पुराना है। दुनिया में सबसे पहले सिक्के जारी करने वालों में से एक था एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में सिक्के मेटल से बनाए जाते थे, पर उनकी कोई तय शेप नहीं होती थी। कुछ वक्त के लिए नॉर्थ इंडिया के बादशाह रहे शेरशाह सूरी ने मिड 16th सेंचुरी में रुपया शुरू किया था। शुरुआती रुपया चांदी से बना सिक्का था। अंग्रेजों के राज में रुपए के सिक्के अलग अलग स्टाइल में बनने लगे। इंडिया में 1840 के बाद जारी हुए रुपए पर उस वक्त की ब्रिटिश महारानी का पोर्ट्रेट हुआ करता था। 1861 में इंडियन पेपर करेंसी एक्ट पास होने के बाद पेपर करेंसी चलन में आई। 1935 में जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बुनियाद पड़ी। इसका काम था इकोनॉमी में पैसे की आवाजाही को संभालना। इंडिपेंडेंट इंडिया ने रुपी को अपनी ऑफिशियल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना जारी रखा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को करेंसी के तमाम तरह के डीमोनेटाइजेशन और डिजाइन तय करने में सलाह देता है। डीमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई ने नए नोट जारी करने शुरू किए, लेकिन इसमें एक चुनौती सामने आई। नए डिजाइन किए गए नोटों का साइज छोटा था। इसके लिए सभी एटीएम मशीन्स को रिकैलिब्रेट करना जरूरी था। पूरी कंट्री में 2,00,000 से ज्यादा एटीएम मशीन्स को जल्द से जल्द रिकैलिब्रेट किया जाना था। हर मशीन को रिकैलिब्रेशन की 3 स्टेजेस से गुजरना था। पहली, जिस कैसेट में कैश रखा जाता है उसे नई छोटे साइज की करेंसी के हिसाब से एडजस्ट किया जाना था। फिर मशीन के सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम किया जाना था, जिससे वो 2,000 रुपए के नोट को पहचाने और 1,000 रुपए के नोट का ऑप्शन हटा दे। आखिर में एटीएम को सेंट्रल डेटाबेस से ऑनलाइन एक्टिवेट किया जाना था, लेकिन करेंसी के अवेलेबल होने में अभी वक्त था। नवंबर 2016 के आखिर में गवर्नमेंट ने नकद की जगह डिजिटल तरीकों को बढ़ावा दिया। इस मौके पर कोई नहीं जानता था कि इंडिया डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा पाएगा या नहीं, कंट्री नकद को छोड़ने को तैयार है या नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी जहां पर यूनिट जीडीपी के हिसाब से कैश यूसेज हाई थी, लेकिन जनता में डिजिटल होने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। इसमें कितना वक्त लगेगा ये नहीं कहा जा सकता था, मगर ये जो बदलाव है ये कई एक्सपर्ट्स के अंदाजे से कहीं तेज हो सकता है, और ये हम देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हालात सही होने के बाद जिस तेजी से मोबाइल फोन बढ़े, उनका यूज और फैलाव जितनी तेजी से बढ़ा, किसी ने भी नहीं सोचा था। ये बस एक ही चीज थी कि मोबाइल फोन्स डिपेंड करते थे सही इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जबकि इस केस में ये डिपेंड करता था ट्रस्ट पर। डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश इकोनॉमी को लगे झटके का स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। कई तरह के ऐसे कारोबारों के सामने एक ही डिजिटल होने का रास्ता था, लेकिन क्या उससे दरार को पाटा जा सकता था? परंपरागत पैसा सामने दिखता है,
जबकि डिजिटल पैसा वर्चुअल होता है। इंडिया में कन्वेंशनल पैसे की एक्सेप्टेंस ज्यादा है, जबकि डिजिटल पैसा अभी उस तरह से अपनाया नहीं गया है। डिजिटल पैसे से उलट नकद के इस्तेमाल पर कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं चुकानी होती। परंपरागत पैसे में गुमनाम रहने का भरोसा होता है, जबकि डिजिटल पैसे को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। करेंसी कॉन्फिडेंशियलिटी को इसके लॉजिकल नतीजे तक ले जाती है। एक्चुअली ये पूरी तरह गुमनाम रहती है और ये वही गुमनामी है जो करेंसी को इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी देती है, क्योंकि जब मैं आपको एक करेंसी नोट देता हूं तो उस पर मेरा नाम नहीं होता। डीमोनेटाइजेशन होने से पहले तक इंडियंस को नकद पर भरोसा था और नकद ही खर्च करने की आदतों पर छाया हुआ था। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बना जहां कैब कंपनी उबर ने कैश पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल किया। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स बताते हैं कि इंडिया में तमाम ऑनलाइन शॉपर्स में से 70% ने पसंदीदा पेमेंट ऑप्शन के तौर पर कैश ऑन डिलीवरी को ही चुना। तो क्या कंट्री में कैशलेस सिस्टम रोजाना की आदत में उतरेगा? चीजें सुधरी हैं, पर अगर इन बेसिक नंबर्स को देखें, अनइंटरप्टेड इंटरनेट ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के इनकी तादाद देखें तो ये है महज 37 करोड़ आउट ऑफ 1.3 अरब, सिर्फ 37 करोड़। और अगर ब्रॉडबैंड की पहुंच की बात करें तो हर 1000 लोगों पर सिर्फ 18 के पास ब्रॉडबैंड की अनइंटरप्टेड पहुंच है। तो इन नंबर्स को देखते हुए इट्स डिफिकल्ट। नवंबर 2016, महीने का अंत चुनौती भरा रहा। इस मौके पर यह कहना मुश्किल था कि इंडिया रीमोनेटाइजेशन की चुनौतियों पर जीत हासिल कर पाएगा या नहीं। इंडिया में नकद का चलन बहुत ही ज्यादा है। कंट्री की 60-80% कंजम्पशन मार्केट नकद पर डिपेंड करती है, जिसमें शामिल है ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट्स। दिसंबर 2016, कंट्री डीमोनेटाइजेशन का असर झेल रही थी। कंज्यूमर्स पहले से कहीं कम खर्च कर रहे थे। इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा थम सा गया था। लिक्विडिटी डगमगा गई थी, जिसमें नकद के साथ आने वाली तेजी और गारंटी की जगह भरने का कोई जरिया नहीं था। कपड़ों की बिक्री और टेक्सटाइल कारोबार में मंदी आ गई थी। एनालिस्ट्स ने पाया कि इंडिया के कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में बिक्री 40-70% तक कम हो गई थी। अगर आप डीमोनेटाइजेशन के दौरान आए कुछ ट्रांजिशनल डेटा पर नजर डालें तो वो चीजें जिनको ज्यादा हिट हुआ था वो थी एफएमसीजी और रिटेल। बहुत से मामलों में हमने जो डेटा ट्रैक किया उसमें कारोबारी घाटा था करीब 20-25% तक का, कुछ मामलों में ज्यादा था कुछ में कम था। बिजनेस में 25% का घाटा बहुत बड़ी बात होती है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब इंडिया में शादियों का सीजन था। शादी से जुड़ी चीजों जैसे कपड़े, गहने, सजावट और केटरिंग पर पैसा कम खर्च किया गया। दिसंबर 2016, इंडियन इकोनॉमी ने कंज्यूमर्स में एक पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड देखी। खरीदने और बेचने वाले 8 नवंबर 2016 से पहले के मुकाबले पैसे का लेन देन कहीं कम कर रहे थे। इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और उसकी कंज्यूमर हैबिट्स गड़बड़ा गई थी, क्योंकि लोगों के हाथ में कैश कम था। रिटेलर्स कम सामान स्टॉक कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि होलसेलर्स के पास बिना बिका माल जमा हो गया। ऐसे हालात में इंडिया में तमाम कारोबार बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रहे थे। हमें ये याद रखना होगा कि इंडिया में बिजनेस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के कायदों पर नहीं होता। ये ऐसी बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे मुझे किस स्टेट में फैक्ट्री लगानी चाहिए और इस जगह मुझे चीज कैसे बेचनी चाहिए, उस मिडिल मैन से कैसे डील करनी चाहिए, दूसरे के बजाय इस होलसेल नेटवर्क से मुझे क्या फायदा होगा। दरअसल इन सब चीजों से दिक्कतें कम होने वाली नहीं है, बल्कि ये सब मैनेज और जुगाड़ करने जैसा है।
मैन्युफैक्चरर्स की ही तरह कस्टमर्स और छोटे वेंडर्स को भी लिक्विड कैश की कमी से निपटने के लिए दूसरे तरीके अपनाने की जरूरत थी। इंडिया की पिंक सिटी जयपुर उन बहुत से टूरिस्ट्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होती है जो राजस्थान घूमने आते हैं। टूरिज्म इस सिटी में गुजर बसर का अहम सोर्स है। कंट्री के दूसरे बड़े सेक्टर्स की तरह डीमोनेटाइजेशन की घोषणा के बाद के दिनों में ट्रैवल एंड टूरिज्म पर भी असर पड़ा। 25 साल से कैब चला रहे सुभाष को भी काफी दिक्कतें पेश आईं। नोटबंदी से पहले जो भी कस्टमर आते थे, जहां भी घूमना हो, वो सारा पेमेंट कैश में होता था। नोटबंदी के बाद में कैश पेमेंट आना बंद हो गया, तो नेचुरल है कि हमारे भी काम पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैंने ये देखा कि जो दुकानदार है वो स्वाइप मशीन रखते हैं, तो क्यों ना स्वाइप मशीन हम रखना चालू करें। सुभाष ने मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल मशीन में पैसा लगाने का फैसला किया, जिससे कैशलेस पेमेंट्स लेना मुमकिन हो। अगर किसी कस्टमर के पास कैश नहीं था तो भी सुभाष के पास उसके लिए एक रास्ता था। शुरू में उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये इन्वेस्टमेंट काम करेगी या नहीं, लेकिन कस्टमर्स को उनका ये तरीका बहुत पसंद आया। कस्टमर जब पेमेंट देने की बारी आती है तो पूछते हैं, भैया पेमेंट कैसे दोगे? तो हम लोग सजेस्ट करते हैं, सर जैसा आप चाहें, आप कैश में देना चाहें कैश दे दीजिए, और कार्ड वगैरह से पेमेंट करना चाहें कार्ड से कर दीजिए, मेरे पास ये सुविधा भी है। वेंडर्स के बीच ऐसी पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स के इंस्टॉलेशन की मांग बढ़ने लगी जो कार्ड पेमेंट्स भी ले सके। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स किराए पर लिए जा सकते हैं या खरीदे जा सकते हैं। हर एक पर लेन देन की तादाद के हिसाब से एक अलग मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है। डिजिटाइजेशन की लहर में फंसे वेंडर्स इस नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के फायदे और नुकसान को लेकर काफी कंफ्यूजन में थे। लोगों को धीरे धीरे फायदे दिखने लगेंगे अगर वो ट्रांसैक्शंस करें डिजिटल मोड से, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली फायदा है फ्रीडम का, कि आप दिन हो या रात किसी भी वक्त लेन देन कर सकते हैं, आपके हाथ में कैश होने की जरूरत नहीं है। सिटी के पुराने इलाकों में ट्रेडिशनल मर्चेंट्स ने भी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगवाने में दिलचस्पी दिखाई। यहाँ तक कि कस्टमर्स भी अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स ही इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगे हैं। छोटी मोटी चीजें तो उससे ले ही सकते हैं कैश, और वैसे थोड़ी मोटी वगैरह चीजें कार्ड से हमें बहुत अच्छी सुविधा लगी। इंडिया के लोगों में डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजीज की पहुंच पहले से बढ़ गई है। इंडिया एक बड़े रेवोल्यूशन से गुजर रहा है, एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन से। इसीलिए इंडिया आने वाले 3 से 4 सालों में बना देगा डिजिटल लेन देन को बहुत इजी, बहुत सिंपल। ऐसा हो सके इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द डिजिटल लेन देन की तरफ सुधार की जरूरत है। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए अभी सिर्फ 15 लाख POS टर्मिनल्स मौजूद हैं। इसकी 1/5 पॉपुलेशन वाली कंट्री जैसे कि ब्राजील को ही ले लीजिए, उसमें करीब 50 लाख टर्मिनल्स हैं। इसलिए हमें अपने एक्सेप्टेंस टर्मिनल्स बढ़ाने होंगे अगर हम चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट सक्सेस हो। लेकिन इसमें ई वॉलेट कंपनीज को डिजिटल पेमेंट का एक दूसरा तरीका पेश करने का भी मौका मिला। इंडिया में ई वॉलेट्स को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन डीमोनेटाइजेशन ने उनके इस्तेमाल में इजाफा कर दिया है। ई वॉलेट एक मोबाइल में स्टोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है। पहली बार इस्तेमाल करने वाला पहले ई वॉलेट की एप्लीकेशन डाउनलोड करता है। इसके बाद होता है इस्तेमाल करने वाले का रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स का सबमिशन। पैसा नेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए ई वॉलेट में डाला जाता है। ई वॉलेट को उसी एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड कस्टमर्स को पैसा देने या उनसे पैसा वसूलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउएवर ई वॉलेट्स एक सेट लिमिट के अंदर पैसा जमा रख सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डेटा कैरी करने वाली ब्रॉडबैंड सर्विसेज के भरोसे होते हैं।
ई वॉलेट गेटवेज बढ़ते डेटा फ्लो की वजह से अक्सर जैम हो जाया करते हैं, जिससे पेमेंट में देरी हो जाती है या ये होती ही नहीं। इसकी वजह यह है कि हर ट्रांजैक्शन को एक बैंक से दूसरे में कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है और ये ऐसा ही होगा। जितने ज्यादा पड़ाव होंगे फेलियर के उतने ही चांसेस होंगे। ये आपके मोबाइल में कॉल ड्रॉप जैसा है, जितनी देर आपकी कॉल पूरी होने में लगेगी उतना ही चांस कॉल ड्रॉपिंग का बढ़ जाएगा और अगर ये ड्रॉप होती है तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। ई वॉलेट में हर बिक्री या पैसे के ट्रांसफर के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स होती हैं। ये एडिड कॉस्ट्स चीजों और सर्विसेज को और महंगा कर सकती हैं। इसमें किसी सामान या सर्विस की बाजार की लागत के ऊपर ऐसी हिडन कॉस्ट्स होती हैं जिनके बारे में कंज्यूमर्स को हमेशा पता नहीं रहता। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैश इकोनॉमी को चलाने की भी तो एक कीमत अदा करनी होती है। देखिए, कैश की जो लागत है वो कई तरीकों से आ सकती है। एक है कि हमें प्रिंट करनी चाहिए नई करेंसी, दूसरा है नोट के इस्तेमाल लायक ना रहने पर उसे ठीक करना, और तीसरा है कि सिक्योरिटी के पहलू को अपग्रेड करना, और इसके लिए दरअसल आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती है और इसे ऐसे बनाना पड़ता है कि जो लोग फर्जी हैं उनके लिए इसे रिप्रोड्यूस करना मुश्किल हो। इंडिया में कैश के इस्तेमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, पर डिजिटल सिस्टम्स के मामले में ऐसा नहीं था। इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा कैश से डील करने में इस्तेमाल होता है। आदत की वजह से जिस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी है उस वजह से और जैसी इकोनॉमी ऑर्गेनाइज की जाती है उसकी वजह से भी। इंडिया में नोट कैसे छापे जाते हैं और ये कंज्यूमर तक कैसे पहुंचते हैं? करेंसी के नोट कंट्री में 4 प्रिंटिंग प्रेसेस में छापे जाते हैं। एक है देवास मध्य प्रदेश में, एक नासिक महाराष्ट्र में, बाकी के 2 हैं मैसूर कर्नाटका में और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। यहां से ये करेंसी रेलवे वैगन्स, ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स तक से आरबीआई के वॉल्ट्स और बैंक्स के करेंसी चेस्ट्स में भेजी जाती हैं। इसके बाद करेंसी को पूरी कंट्री के बैंक ब्रांचेस और एटीएम मशीन्स में पहुंचाया जाता है। डीमोनेटाइजेशन के बाद के महीनों में कंट्री की एटीएम मैनेजमेंट कंपनीज पर मशीनों में लगातार कैश भरने का जबरदस्त दबाव था। ये बड़ी बारीकी से किया जाने वाला एक लंबा चौड़ा काम होता है। बहुत से कड़े सिक्योरिटी चेक्स के बाद कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सनल एक तय गाड़ी में कैश बॉक्स लोड करता है, फिर कंपनी के वॉल्ट से कैश वैन रवाना की जाती है। कमांड सेंटर पर एक टीम लाइव जीपीएस ट्रैकिंग से एटीएम की लोकेशन तक उनके सफर पर नजर रखती है। मुंबई सिटी में किसी तय वक्त पर कमांड टीम 150 कैश वैन्स को ट्रैक कर रही होती है। एटीएम में 2 लोग कैश बॉक्स लेकर दाखिल होते हैं। वो ट्रेज में नोटों की गड्डियां जमा कर उन्हें बहुत संभाल कर वापस एटीएम में लोड कर देते हैं। इसके बाद मशीन को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर हर टीम को पूरी सिटी में किसी एक रूट पर 15 से 18 एटीएम मशीन्स में पैसा डालना होता है। डीमोनेटाइजेशन के शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा ट्रिप्स लगानी पड़ती थी। हमारे पास सिर्फ 100-100 के ही नोट थे जो किसी एटीएम से ही निकाले जा सकते थे, तो जैसे ही हम 100-100 के नोट भरते वो 2-3 घंटे में ही खत्म हो जाया करते थे, इसलिए हमें पैसा डालने के लिए क्रूज की कई सारी ट्रिप्स लगानी पड़ी थी। दिसंबर 2016, साल खत्म हुआ पर रीमोनेटाइजेशन का काम जारी था। हिस्ट्री की बात करें तो बड़ी इंडस्ट्रीज और छोटे कारोबार ने खरीदारों और बेचने वालों को ज्यादातर नकद में ही लेन देन करते देखा है। खास तौर पर कम कीमत के लेन देन में नकद ही एकमात्र तरीका रहा है। डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया में मार्केट्स में एक जैसा उछाल नहीं आया।
दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी को रीमोनेटाइज करना कोई आसान काम नहीं रहा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के उन मार्केट्स को डिजिटल की तरफ जाने में ज्यादा मुश्किल पेश आई, जहां बिना नकदी के लेन देन को अजीब नजरों से देखा जाता था। डीमोनेटाइजेशन के बाद कई इनफॉर्मल मार्केट्स की आमदनी में कमी दिखाई दी। उत्तराखंड की इस वीकली कैटल मार्केट में जनवरी 2017 में भी बिक्री ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो इस कारण बाजार बंद कर दिया गया कुछ हफ्ते, और अब स्टार्टिंग हुई है। कारोबार अपनी जगह आज भी नहीं आ पाया, आज भी बहुत परेशान है लोग। अगर आप किसी से भैंस खरीद रहे हैं, उसे बदले में आप चेक दो तो मना कर देता है चेक लेने के लिए, कैश मांगते हैं लोग। फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारणों से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, जो है मोबाइल एप्लीकेशन UPI, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI के जरिए कंज्यूमर्स पलक झपकते ही किसी भी बैंक में पैसा भेज सकते हैं। ये एक वर्चुअल एड्रेस इस्तेमाल करके किया जाता है, जैसे yourname@banknamecom। ये सर्विस 24/7 अवेलेबल है, जो किसी बैंक में खुद जाने की परेशानी को कम कर देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भीम को भी इंट्रोड्यूस किया, जो UPI से चलने वाला एक मोबाइल वॉलेट ऐप है। कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है 125 अरब लोगों के लिए। कैशलेस होने की कोशिश ने आधार से जुड़ी बैंकिंग को बढ़ावा दिया, लेकिन डेटा मिसयूज और पर्सनल बायोमेट्रिक डेटा के जरिए आइडेंटिटी थेफ्ट की पॉसिबिलिटी दिमाग में शक पैदा करती है। हम हर लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज करते हैं, उस जगह से जहां से बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है, यू नो, इन द फील्ड, और डेटा के हमारे पास पहुंचने तक इट इज फुल्ली इंक्रिप्टेड विद अ वेरी वेरी हाई डिग्री ऑफ इंक्रिप्शन। और यहां हमारे डेटा सेंटर के अंदर भी ये डेटा इंक्रिप्टेड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सिवाय उस फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड को छोड़कर जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है। है कि हम लोग कैशलेस हो जाएंगे, तो मैं ये कहूंगा कि हमें जितना हो सके कम कैश वाली इकोनॉमी होना चाहिए, मगर उस कम कैश वाली इकोनॉमी के लिए भी काफी तैयारी की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि POS मशीन्स को लगातार बिजली मिलने और साथ ही कॉल्स के लगातार मिलते रहने के लिहाज से। डिजिटल लेन देन में दिखी शुरुआती तेजी में फरवरी 2017 में कमी दिखाई दी। जनवरी से फरवरी 2017 के बीच कुल इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में 21.3% की कमी दिखाई दी। क्या लोग कैश लेन देन की तरफ वापस लौट रहे हैं? लोग फिर से कैश पर लौट आए हैं, जैसे जैसे कैश मिलने लगा है, राइट? और यहीं पर आता है एजुकेशन का रोल, क्योंकि अगर आप लाना चाहते हैं एक बड़ा बदलाव कैश से डिजिटल का, तो वो बदलाव आएगा एजुकेशन के थ्रू, ना कि डीमोनेटाइजेशन के थ्रू। डीमोनेटाइजेशन ने कैशलेस पेमेंट के तरीके सामने रखे हैं, इंडिया के इकोनॉमिक कल्चर में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, लेकिन रीमोनेटाइजेशन से कैश सिस्टम में वापस आ गया है। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि लोग असल में क्या पसंद करते हैं।